ये गंदा हो गया था। अरे यार इसका एक आंख लगा दो, इसका एक आंख निकल गया था, पता है कैसे। दोस्तों ये देखिए किचन में मेरा डिजाइन हो गया है और इधर बेडरूम में भी हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाला रूम में, क्योंकि हमको अभी कबाट वगैरह खाली करना है। हम लोग आ चुके हैं ऊपर और ये देखिए रूम तो पूरा खाली हो गया है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा सोनू का बचा हुआ है अभी, क्योंकि किचन अभी नहीं गया है, किचन अभी इधर ही बन रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे की ओर, पूरा रूम खाली हो गया, हॉल भी खाली हो गया। इधर ये देखिए पूरा हॉल भी पूरा खाली हो चुका है, खाली टीवी रह गया है। ये देखिए दोस्तों मैं कह रही हूँ दरवाजा को कलर, क्योंकि सब हो गया है, ये दरवाजा रह गया था, तो मैं इसको भी बेडरूम का और हॉल का दोनों का कलर कर देती हूँ। कलर ये ब्राउन है तो मैं ब्राउन से ही कर देती हूँ। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और हिबा के साथ बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, हिबा आगे बताएगी है ना। ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। देखो आंटी ने अभी ये वाली गेट का पूरा आगे पीछे दोनों कलर कर दिया है, ये देखो। और ट्यूबलाइट अंकल ने भी लगा दिया है और अभी बाहर के गेट का भी करिए। तो चलो पीछे दोस्तों ये देखिए किचन में मेरा डिजाइन हो गया है और इधर बेडरूम में भी हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाला रूम में, क्योंकि हमको अभी कबाट वगैरह खाली करना है, यहाँ सामान शिफ्टिंग होगा। तो बाकी सब जितना था सब निकाल कर ले आई हूँ, तो सब इसमें है। और अभी जब कबाट वगैरह ड्रेसिंग सब आ जाएगा नीचे तो फिर इसको लगाऊंगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे कबाट भी खाली करना है। चलो सुनू दोस्तों हम लोग आ गए हैं नीचे वाला रूम में और ये देखिए कबाट यहाँ पर आके लग गया है और इधर लग गया है ड्रेसिंग, आपको दिख रहा है। और यहाँ पे सब पूरा फैला हुआ है तो सबको मैं सरिया रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड इधर बैठे हैं, तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और इधर हिबा है तो आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं कितना भी पसारा है। ये अंकल इधर बैठे हैं, पूरा कपड़ा सरिया रहे हैं, ये देखिए सारा कपड़ा फैला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कपड़े निकाल के मैं अपना कपड़ा लेके आई थी ट्रॉली में, तो मैं अपना सब भर वहाँ रख दी हूँ कबाट में, आपको दिखाऊंगी। और इधर मेरे हस्बैंड का कपड़ा है तो उधर रख रहे हैं। और ये देखिए सब लग गया। और सोफ़ा का दिखाती हूँ, सोफ़ा भी आ गया था नीचे। तो ये देखिए सब सोफ़ा भी लग गया है, तो अभी सोफ़ा का कवर नहीं लगा है तो उसको कल धुलूँगी तो फिर लगाऊँगी लाकर। इधर सब लगा दी हूँ और यहाँ पर टीवी लगेगा। और इधर ये देखिए, इधर ये भी लगा दी हूँ, कैलेंडर था तो इसको कटिंग कर दी, कटिंग करके इसको लगा दी हूँ। और चलिए बाकी कुछ है नहीं, जो कल लाई थी सब वैसे ही पड़ा है, तो अभी सुनू उसको सेटिंग करेंगे तो इधर का है। तो चलिए दोस्तों मैं सरिया लेती हूँ फिर आप लोग से मिलते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए दोस्तों सारा सामान ही अब कबाट में सब पैक हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो चलिए चलते हैं, चल रहे सुनू। तो चलिए खाना खाने का भी टाइम हो गया, भूख भी लग गया मेरे को। चलो इसको सब इधर ही रख दीजिए, सब का कवर कल धुल के लाऊंगी ना तो सब मैं पहना दूंगी टैची में, ताकि ऐसे गंदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों मैं जा रही हूँ अपना बैग लेके, सुन्नू मेरे को घर से निकाल रहा है, बोलते चल जा अपना बैग लेके। ये देखिए मैं जा रही हूँ अपना ये घर, अपने ऊपर वाले रूम में। तो चलिए चलते हैं। लाइट हो गया है बंद, किचन में लग गया है नाइट बल्ब।
किचन में जलेगा ये पिंक पिंक। छोटा लैंप बना है तो वही को लगा दिए सन्नू। तो चलिए चलते हैं, फिर कल के लिए देखते हैं कल क्या लाना है। इनको निकालते निकालते ना कुछ लगा रहता है। चल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऊपर और ये देखिए रूम तो पूरा खाली हो गया है दोस्तों। ये देखिए थोड़ा सा सोनू का बचा हुआ है अभी, क्योंकि किचन अभी नहीं गया है। किचन में मतलब अभी सामान है, ये देखिए इधर पूरा किचन में अभी सामान है पड़ा हुआ, मतलब खाना वाना अभी इधर ही बन रहा है दोस्तों। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे की ओर। पूरा रूम खाली हो गया, हॉल भी खाली हो गया इधर। ये देखिए पूरा हॉल भी पूरा खाली हो चुका है, खाली टीवी रह गया है। तो टीवी अब हम लोग कल लेके जाएंगे नीचे की ओर दोस्तों। और इधर भी पूरा खाली हो चुका है, ये देखिए बेडरूम भी पूरा खाली हो चुका है। बेडरूम में भी कुछ नहीं है अभी, खाली थोड़ा सा सामान रह गया वो भी किचन का, तो वो लेके चलेंगे। और ये देखिए किचन में भी खाली गैस चूल्हा रह गया और थोड़ा भी रह गया है। और ये देखिए अरिबा है। क्या अरिबा, हाय बंदे, हाय। तो किचन भी खाली हो गया दोस्तों। और सुन्नू कर रही उधर काम, और इधर पूरा कलर वलर होएगा दोस्तों, फिर हम लोग जाएंगे नीचे की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं नीचे और आप लोग ब्लॉग में बने रहे। दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे और ये देखिए सामान वगैरह भी आ चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ बेडरूम में। तो दोस्तों ये देखिए आधा से ज़्यादा सामान आ चुका है, इधर रखा है सब। होम थिएटर वगैरह नीचे रखा है, इसको भी सुन्नू सेट करेंगे। और टीवी अभी आया नहीं, वो ऊपर ही। इधर टेडी है, टेडी मेरा नहा धोकर एकदम फ्रेश हो गया है। ये देखिए गंदा हो गया था। अरे यार इसका एक आँख लगा दो, इसका एक आँख निकल गया था पता है कैसे। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं सुन्नू? मैं लगा रहा हूँ अभी हैंगर, दरवाजा के पीछे लगवा रहे हैं, क्योंकि दीवार में लगेगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो इधर ही लगाते हैं। तो इधर लगा देंगे सुन्नू अभी, और चलते हैं किचन में। और ये देखिए मैं आपके दरवाजे के ऊपर क्या लगाई हूँ चौखट पे, तो ये लगाए हैं, ये बीना हुआ है, तो ये रेडीमेड है, तो इसको लगा दिए गांव से लेके आए थे। तो चलिए आपको किचन में दिखाते हैं। और ये देखिए किचन का बर्तन स्टैंड सब ला के लगा दी हूँ। और इधर ये बड़े बड़े रख दिए हूँ जग है, और ये सब पॉट वगैरह। इधर नीचे कांच का गिलास वगैरह रखे, अभी थोड़ा बहुत रखी हूँ, अभी और लाना है। और ये फ्रिज भी नीचे आ गया है, तो फ्रिज का जो जगह था तो वहाँ पे फ्रिज सेट हो गया है। और वॉशिंग मशीन को मैं किचन में रख ली हूँ, ये देखिए, क्योंकि बाहर जगह है नहीं तो मैं बोली इसी में रख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्तन है, इसको सरिया लेंगे और उसके बाद इसमें चूल्हा रख देंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पर्दा लगा रहे हैं मेरे हस्बैंड। कहाँ लगा रहे सुन्नू? मचान के लिए पर्दा लगा। यहाँ पे पर्दा लगेगा ये वाला, और एक पर्दा इधर लगाएंगे इधर नीचे किचन के लादी के नीचे, ताकि अंदर में सामान वगैरह रहेगा तो वो दिखेगा नहीं तो अच्छा दिखेगा, तो इसीलिए लगा रहे हैं। तो अभी सुन्नू यहाँ पर कर रहे हैं इसको, ये देखो। और इसमें ये वाला पर्दा लगाए हैं इसलिए, ताकि किचन में ये वाला पर्दा लगा है तो ये लग जाएगा, तो ये पूरा सेट हो जाएगा, है ना सुन्नू? बाकी उधर है महरून पर्दा लगा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया पूरा रूम खाली, ये देखिए पूरा रूम हो गया खाली। और ये देखिए खाली सिर्फ टीवी रह गया है, और इधर भी हो गया पूरा रूम खाली, इधर हो गया पूरा रूम खाली दोस्तों। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। बाय बाय।